डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के ला के मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। सालों की मेहनत एक पल में विदा हो गई। एक माँ अपनी बेटी से जुदा हो गई। जब उसका नीट निकला होगा उसकी माँ ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे होंगे कि मेरी बेटी अब डॉक्टर बनेगी। उसने 5 साल MBBS में खूब मेहनत से पढ़ाई की होगी और जब डॉक्टर बनके अपने घर वापस गई होगी उसके पापा ने प्राउडली अपनी बेटी को गले लगाकर कहा होगा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। और आज बस वो सारे मूवमेंट्स उस माँ को याद आ रहे होंगे। PG स्टूडेंट होना अपने आप में बहुत टफ जॉब है। कभी कभी तो 36-36 घंटे ड्यूटी करनी होती है और वो बेचारी उस रात भी ड्यूटी कर रही थी जब उसके साथ ही इंसानियत को शर्मसार करने वाला इंसिडेंट हुआ। उसको क्या ही पता था जिस हॉस्पिटल में वो लोगों की जान बचाती है उसी हॉस्पिटल में उसकी जान चली जाएगी। इंसाफ होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि ऐसा कुछ सोचने से पहले करने वाले की रूह कांप जाए। वी वॉन्ट जस्टिस।